हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजे होता तो यह सब फैसला कभी नहीं लेता। पर रामी बिन, हमारे गांव में पुलिस कभी नहीं आई थी। अरु, तू सबसे पहले गांव में पुलिस लेकर आई। राजे ने तुझे माफ कर दिया और अब तू कानून बीच में लाना चाहती है। राजे के बनाए हुए नियम खत्म करना चाहती है तू। अपना फट दिखाना चाहती है राजे के खिलाफ भी करके। नहीं रामी बिन, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। मैं कुछ बदलना नहीं चाहती हूँ। पर क्या आपको जरूरी नहीं लगता इस लाश को पहचानना? मुझे राजे की इज्जत से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं लगता। राजे की गैर हाजिरी में उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी मैं तुझे। कोई गलत फैसला नहीं लेने दूंगी मैं। जब से तेरे कदम गांव में पड़े तब गलत हो रहा है। ये शहर वाले होते ही ऐसे, जहाँ जाते हैं माहौल बिगाड़ते हैं। इन भोले भाले लोगों को अपनी बातों से बहका मत। तुम्हें सही कह रहे हो रामी बहन, हमें लगा मुखियारी ने सही फैसला लिया है, लेकिन आपने आकर हम सब लोगों को सही राह दिखा दी। ये सही राह नहीं है आप लोग जो कर रहे हो। बस एक शब्द भी और मत बोलना। इस गांव के नियम कायदे तुझे नहीं मालूम, गांव के लोगों की भावनाएं नहीं मालूम। तुझे तो यहाँ आके फैसला भी नहीं देना चाहिए था। भाइयों, ये हमारे घर की बहू रानी गांव के नियम कायदे नहीं जानती, गांव के लोगों की भावनाओं को नहीं समझती। मैं इसके लिए माफी मांगती। गांव में किसी मुर्दे की चीर फाड़ नहीं होगी। आप लोग शमशान जाओ अने अंतिम संस्कार की तैयारी करो। ठीक है, वैसा ही होगा जैसा आपने कहा। अब जैसा कैसे पहुंच गए? मैं तो पंचायत जा रहा था। गौरा, गौरानी, ये गौरानी सांभर। मुखी भाई, आप ठीक तो है ना? अरे वो अरु के यहां से मुखियानी भाभी और रामी बहन, वो तो पंचायत में है ने? गाड़ी निकाल। रामी जी मेरी बात मान लीजिए, मत जलाइए लाश को। हमें कैसे पता चलेगा मुखी जी पे हमला किसने किया है? देखिए कानून को हाथ में मत लीजिए, पुलिस को पता चल गया तो कुछ भी हो सकता है। शर्म कर, हम यहाँ किसी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और तू पुलिस वाले की धमकी दे रही है। राजे को गांव के सब लोग देवता समझ के उसकी पूजा करते हैं और तू उसकी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। रामी बिन, ये दुश्मन था मुखी जी का, और भी कोई दुश्मन हो सकता है मुखी जी का। हम कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान सकेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ पहचानने की। राजे ठीक ठाक है बस, इसके अलावा मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि जो मरा वो लाल जी था। मेरे लाल जी का बस अच्छे से अंतिम संस्कार हो जाए। लोग सुनिए मेरी बात, हम पोस्टमार्टम करा सकते हैं, लाश जलाने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी चिता को अग्नि दोने भाई। We'll be right back.
इसलिए मुखी जी हमें रामी बहन की बात ठीक लगी। तेरी गैर हाजिरी में तेरी बीवी बहुत गलत फैसला ले रही थी राजे, तू पूछ ले सबसे। हाँ मुखी जी, मुखियाएं जी शहर के बनाए हुए नियम के अनुसार चल रही हैं, जो आपके बनाए हुए नियम के खिलाफ है। मुखियानी जी तो लाश की चीरफाड़ करने की बात कर रही थी, ये करना क्या ठीक होता? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, हाँ सब गलत है भाई। पर मुखी जी, हम उस आदमी का अंतिम संस्कार कर रहे थे जिसे हम जानते भी नहीं, वो कौन है, कहाँ से आया है। आपके घर पर वो बॉम्ब लेकर आया था, किस इरादे से आया था? उसके घर वालों को पता चलने का हक नहीं है कि वो जिंदा नहीं है? लेकिन ये सब पता करने के लिए तेरे बनाए हुए नियमों को तोड़ना जरूरी है क्या राज? पहली बात, मैं आप सब से माफी मांगता हूँ, मैं सही समय पर नहीं पहुंचा, मैं घर से निकला था पर देर हो गई। और दूसरी बात, मैंने अपने गैर हाजिरी में किसी को मेरे बदले फैसला लेने का हक नहीं दिया है। राबी बहन ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, मैंने संबोली गांव के लिए कुछ नियम और कानून बनाए हैं और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस नियम और कानून का पालन करें। रामी बहन के कहने पर आपने उस लाश का अंतिम संस्कार किया, मुखियानी का यह कहना था कि पुलिस को बुलाओ, जांच कराओ और पहचान कराओ, क्या गलत कहा उसने? और अब हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वो लाश किसकी थी। पर राजे, मैंने तो वही किया जो इतने सालों से तू खुद कहता आ रहा है। फैसले परिस्थिति के हिसाब से लिए जाते हैं रानी। चोरी चकारी के मामलों में अब तक गांव में कभी पुलिस नहीं आई, क्योंकि अपराधी कोई गांव वाला होता है। मेरा यह मानना है कि ऐसे अपराधी को दूसरा मौका देना चाहिए, और पुलिस सजा में विश्वास करती है, इसलिए इस गांव में पुलिस नहीं आती। लेकिन यह मामला अलग था, एक बम विस्फोट का था, और ऐसे में पुलिस आना बिल्कुल जरूरी था। मुखियानी जो फैसला ले रही थी वो बिल्कुल सही फैसला था। सबके सामने मुझे गलत साबित कर रहा है, मैंने तेरी इज्जत संभालने के लिए यह फैसला लिया था और तू सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। बात सही और गलत की नहीं है रामी, बात उस फैसले की है जो तूने मेरे बदले लिया। सारी बात सुन के मुझे यह लग रहा है कि जो फैसला मुखियानी ले रही थी वही सही फैसला था। इसने मेरे बनाए नियम और कानून से उठ के सोच। इसलिए मैं उसका आभार मानता हूं। उससे यह सीखने मिलता है कि नियम इंसान को नहीं बनाते, इंसान नियम को बनाता है। फिल्मों में ही देखने के लिए मिलते हैं, वाकई में हीरो जैसा काम किया आपके पति ने।
क्या हो रहा है तुझे? वो दुखी मुखी में तुझे हॉट हीरो दिख रहा है। ये सपना वो औरतों की वजह से हो रहा है। उन्होंने ही तेरे दिमाग में ऐसी उल्टी सुल्टी बातें भरी है। कुछ भी सोच रही है, कुछ भी देख रही है। हेलो मिस अरुंधति नानावटी, ये सब बकवास सोचना ना बंद कर दो। वो दुखी मुखी कभी अपने फटे जूते और 4 किलोमीटर लंबी पगड़ी नहीं छोड़ने वाला। अब तुझे लगा था सूट बूट में आया कन्हैया। ये क्या नया शुरू किया है? अपने आप से बात कर रही? वो मैं आपको थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। किस लिए? आपने सबके सामने मेरा साथ दिया। मैंने तो वही किया जो सही था। लेकिन क्या जो तू करके गई थी वो सही था? जी। मुझे नींद कैसे आई? वो आपको आराम की जरूरत थी तो बेकार में देर हो गई। हाँ, पकड़, मेरी मदद कर दे। आप मुझसे नाराज भी नहीं हुए और सबके सामने मेरा साथ भी दिया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इसके लिए मैं सिर्फ थैंक यू नहीं कहूंगी, आपके लिए कुछ करके रहूंगी। आपका ये थैंक यू उधार रहा मुझ पर। और आपको तो पता ही है, अरु एक बार जो कमिटमेंट कर देती है तो खुद की भी नहीं सुनती, बिल्कुल सलमान खान जैसे। इतने जोर से झटका देगी पगड़ी फट जाएगी। ये वाला तू पागल हो रही है अरु। चल, मुझे फैक्ट्री के लिए देर हो रही है, कंट्रोल कर अरु। ए? ये वाला।
छोकरी छे दर्द कम हुआ गोपी पी लो पानी पी लो अरे चोट कैसा है इन्हें बना क्या था इसको कच्चे रास्ते से आने के लिए तो अरे आपको नहीं बताया था वो झुपड़पट्टी वाला इलाका वहाँ से कोई आता जाता नहीं है पिछले कुछ दिनों से वहाँ कोई भूत या चुड़ैल रहती है उसी ने किया ये सब अरे मैंने आपसे कहा था ना भूत प्रेत जैसे कोई बात नहीं होती वो चुड़ैल जैसे सब बकवास बातें होती है बकवास बातें नहीं है मुखियानी ये देखिए इसकी कलाई पर ये निशान ये किसी इंसान का नहीं है कोई कोई जानवर था वहाँ उस गली से कोई जाता नहीं है वहाँ पे कोई अनजानी ताकत उसे अंदर खींच लेती है और फिर वो बेहोश हो जाता है फिर उसके शरीर पे ये पंजे के निशान मिलते हैं कौन हो सकता है वहाँ अच्छा पहले इन्हें डिस्पेंसरी ले जाओ दर्द बहुत हो रहा होगा मेरी जीप बाहर है उसी में ले जाओ आप लोग काम पर लगिए तो पेट से थी आज जरा भी पेट नहीं दिख रहा ऐसे कैसे हो सकता है सुनिए अरे रुकिए आपका नाम क्या है ये हो क्या रहा है आज का दिन ही अजीब है पहले दुखी मुखी में हॉट हीरो दिख रहा है भूतिया गली में खूनी पंजा आ रहा है और अब ये प्रेग्नेंट लेडीज की मैजिक डिलीवरी हे भगवान कौन कहता है गांव बोरिंग होते हैं आपको पता है मुखी जी आपके गांव में क्या क्या हो रहा है अरे लोग तो कह रहे थे वो पुरानी फैक्ट्री के पास ना भूत चुड़ैल और ऐसा तो क्या पढ़ रहे कि मेरे आते ही छुपा दिया ये? अरे ये वो बैंड नॉवेल्स वर्जित साहित्य वैसे वाले नॉवेल्स ये काय बन बोले छे ऐसी कोई बात नहीं है ये मेरी पुरानी किताब अच्छा मैं भी तो देखो ऐसी कौन सी पुरानी याद है जिसे पढ़ते ही आपके पुराने से चेहरे पे नई वाली मुस्कान खिल गई तेरे काम की नहीं वो आपके भी राज है हाँ है राज है अरे वाह आप तो इंटरेस्टिंग होते जा रहे वो राज की बात कह दूं तो जानो महफिल में क्या हो टाइप अब तुम मुझे जानना नहीं 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 अरे अरे बताइए ना अरे रेवा देना तेरे काम का नहीं ऐसे किसे नहीं दिखाएंगे गौरानी छोट अरे गौरानी नहीं गौरानी छोट अरे अरे मैं नहीं दिखा सकता नहीं पत्नी को भी नहीं दिखा सकते अरे पत्नी बनने की कोशिश मत कर वैसे भी मेरी नानी कहती थी कि पत्नी को सारी बातें नहीं बताती डिसाइड कर लीजिए मुखी जी पत्नी नहीं हो इसलिए छुपा रही है पत्नी मानते हैं इसलिए छुपा रहे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.